नोट है और ये मेरे हाथ में एक हजार डॉलर है एक हजार डॉलर जो है ये पाकिस्तानी तकरीबन आज के वक्त आठ सौ डॉलर रहा आठ सौ का आठ सौ डॉलर टक करते पाकिस्तान भेजा और उधर क्या नाम है बैरि टाउन में चाचा जी से कहा कर एक प्लाट खरीदी अलमैकम दोस्तों क्या हाल है अच्छा लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना क्यूरसिटी रहती है और काफ़ी क्वेश्चन करते हैं कि स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर कितने पैसे कमाते हैं ये मेरे हाथ के अंदर एक हज़ार डॉलर है पचास पचास डॉलर का एक नोट है और ये मेरे हाथ में एक हज़ार डॉलर है एक हज़ार डॉलर जो है ये पाकिस्तानी तकरीबन आज के वक़्त में एक लाख अस्सी हज़ार रुपया बन रहा है ठीक है क्योंकि डॉलर का आज के दो आज के दिन में एक सौ अस्सी रुपये है तो हमने आज बात करनी है कि स्टूडेंट लाइफ के ऊपर स्टूडेंट जो हैं ऑन एवरेज कितने पैसे कमाते हैं वो कितने सेव कर पाते हैं वो कितने अपनी फीस के लिए निकाल सकते हैं उनके सारे एक्सपेंसिज इसलिए मैंने ये पैसे अपने हाथ में रखे कि आपको रफली आइडिया जाए तो भाई लेट्स स्टार्ट इट हम लोगों ने आज बात करनी है कि स्टूडेंट कितने पैसे कमाते हैं भाई हम लोगों ने बात करनी है लीगली स्टूडेंट कितना काम करते हैं और लीगल वे के अलावा अगर जो कैश पे काम करते हैं वो कितना पैसे कमा लेते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं कि स्टूडेंट नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया के अंदर 24 फोर आवर चौबीस घंटे उनको अलो होते हैं 24 घंटे का मतलब है कि भाई उन्होंने 24 घंटे एक हफ्ते के अंदर काम करना है अब उसमें जो है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना हमने पहले बात करनी है कि रेट्स कैसे हैं मंडे टू फ्राइडे होता है वो नॉर्मल रेट होता है सैटरडे और संडे जो है वो रेट होता है पेनल्टी रेट जो कि आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि वीकेंड होता है तो नॉर्मली जो है स्टूडेंट को नॉर्मली अगर वो एवरेज काम करता है तो क्या काम करता है वो फ्यूज स्टेशन पे जॉब्स करते हैं वो पंप्स पे जॉब कर लेते हैं या उसके अलावा स्टूडेंट जो है रेस्टोरेंट्स में जॉब करते हैं कबाब शॉप हो गया जितनी भी एक स्टूडेंट जो है एवरेज जॉब करते हैं क्लिनिंग की जॉब हो गया गार्डनिंग की जॉब हो गया कार वॉश पर काम हो गया उनको नॉर्मली अगर वो लीगल काम करें तो उनको ट्वेंटी डॉलर समथिंग सेंट जो है वो पे होते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया का लीगल जो है वो एक पे रेट है अगर वो 24 फोर आवर काम करें वीक डेज़ के अंदर तो हमने उसको कैलकुलेट करते हैं कि भाई अगर वो 20 आवर्स काम करते हैं वीक डेज़ में जो कि जिसके ऊपर कोई पेनल्टी रेट नहीं लगता तो हम उसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो कितने पैसे बनते हैं तो भाई हम करेंगे 24 फोर आवर मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी 85 जो कि नो तो ये बनते हैं 692 जो कि छः सौ बानवे डॉलर बनते हैं ये हैं अगर आप वीक डेज़ के अंदर काम करते हैं अगर हम कह लेते हैं कि भाई आप लोगों ने आठ दो सोलह घंटे जो है वो आपने वीक डेज़ में काम किया और वीकेंड पे सैटरडे या संडे सैटरडे पे रेट चलता है फोर्टी वन और संडे पे रेट चलता है फोर्टी एट डिपेंड ऑन आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं हर एक रिटेल का डिफरेंट है सिक्योरिटी इंडस्ट्री का डिफरेंट है कार वॉश वाले डिफरेंट देते हैं डिफरेंट तो हम बात कर लेंगे सैटरडे की जो कि हम कर लेंगे 41 वन कर लेंगे फोर्टी वन के हिसाब से अगर आप एट आठ सौ आठ घंटे काम करते हैं तो हम इस पर बना लेते हैं तीन सौ अट्ठाईस तो तीन सौ अट्ठाईस हम ये कर लेते हैं और हम सोलह घंटे को अगर हम मल्टीप्लाई से करें तीन सौ अठाईस सौ सोलह ये टोटल तो बनते हैं सेवन सिक्स जो कि एक वीकेंड की शिफ्ट है और दो वीकडेज़ की तो सेवन सिक्स को अगर हम करें एक सौ दो सौ तीन सौ चार सौ पाँच सात सात सौ पचास आठ सौ भाई ये इसको हम कर देते हैं साइड पे अच्छा जी ये आ गया हमारा 800 डॉलर खैर 800 डॉलर आपने एक वीक के अंदर कमाया अब भाई 800 डॉलर आपने कमाया तो ये सारा आपकी जेब में नहीं जाएगा आपने गवर्नमेंट को भी देना है तो 800 डॉलर में से ना 776 में से 120 डॉलर या 110 डॉलर डिपेंड ऑन वो आपके एम्प्लॉयर जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं 100 डॉलर निकालते हैं और ये भी फेंक देते हैं ये गया भाई आपके टैक्स के ठीक हो गया ये आपके चले गए टैक्स के पीछे क्या बचे पीछे बचे एक सौ दो तीन चार पाँच छः सात सौ डॉलर आठ सौ डॉलर था टोटल सात सौ डॉलर आएगा ये आपके अकाउंट में लिया है जो कि आपने लीगली काम किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो वीक डेज की शिफ्ट है एक वीकेंड की शिफ्ट है हर किसी की वीकेंड की किस्मत नहीं होती आपको एम्प्लॉयर जो है अच्छा मिल जाए तो आपको वीकेंड के घर अगर इसके अंदर आपको सैटरडे और संडे दो शिफ्टें मिल गई आठ आठ घंटे की तो आपकी ये जो है ना ऑन एवरेज नौ डॉलर के पास चले जाएगी ऑन लीगल जो कि आप पेपर वर्क के ऊपर काम करते हैं खैर हमने नॉर्मल बात करनी है जो कि स्टूडेंट के साथ होता है आपके अकाउंट में सात डॉलर आ गए ये आपने चौबीस घंटे काम किया सात डॉलर आपके अकाउंट में आ गया अब दो से तीन दिन आपने यूनिवर्सिटी चले गए तीन दिन काम कर लिया पीछे एक दिन बच गया एक दिन अगर आपने ऊबर ईट्स कर ली या अगर आपने ओबर एक्स कर लिया तो हम उसको एवरेज कर देते हैं कि भाई उसके अंदर जो है ना आप एवरेज डाल दें वन हंड्रेड डॉलर फॉर दैट डे ये भी हम उसके अंदर ऐड कर लेते हैं वन हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर टोटल हमारे कितने हो गए भाई टोटल हमारे अकाउंट में आ गए भाई साढ़े आठ सौ डॉलर अब कीप इन माइंड ये साढ़े आठ सौ डॉलर जो है ये आपके अकाउंट में आए हैं इसमें से जो आपने ये डेढ़ सौ डॉलर कमाया ना ऊबर ईट्स के ऊपर या ऊबर एक्स के ऊपर इसमें से भी आपने जी भी पे करना है ठीक है टेन परसेंट जी होगा और उसके ऊपर उसके बाद आपने इनकम टैक्स भी पे करना है कीप इन माइंड इस डेढ़ सौ डॉलर में से आपका अकाउंट आपका सौ डॉलर एट दी एंड ऑफ ईयर बचेगा वो एक अलग टॉपिक है वो बाद में बात करेंगे लेकिन अभी अभी तो डेढ़ सौ आ गया तो भाई ये आपके साढ़े आठ सौ डॉलर अकाउंट में आ गए अब खुश होने की ज़रूरत नहीं है इसमें से आपने एक्सपेंसेस भी पे करने हैं दोस्त लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में बैठे ही 800 डॉलर आया 800 का 800 डॉलर टक करते पाकिस्तान भेजा और उधर क्या नाम है बैरियर टाउन में चाचा जी से कहा एक प्लॉट खरीद लिया भाई ऐसे नहीं होगा ऐसे ऐसे अगर होता तो हम ना आज सात आठ सालों में ना पता नहीं ऐसे उधर बैरियर टाउन में पता नहीं मुरबों में ज़मीन ले लिए ऐसे नहीं होता तो भाई ये आ गया अब आपने ऑस्ट्रेलिया में आपको पता हो कि आपने वीकली रेंट पे करना होता है तो भाई इसमें से आपने 150 नॉर्मल बता रहा हूँ इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है ना 200 भी चल रहा है तो हम 150 डॉलर इसमें से रेंट निकाल देते हैं तो 150 डॉलर अपना गया रेंट पीछे कितना बजा पीछे बचा एक दो तीन उसके बाद चार सौ सात सौ डॉलर बचा ये आपका बच गया सात सौ डॉलर अब आपने खाना पीना भी है भाई खाने के लिए भी कुछ चाहिए अगर आप घर पे खाना बना रहे हैं घर पे खा रहे हैं तो भाई आपको कम कॉस्टली पड़ेगा तो हम उसका सौ डॉलर लगा लेते हैं अगर आप घर बना रहे हैं बाहर से खाएंगे तो एक टाइम की एक दिन की रोटी पचास डॉलर में पड़ जाएगी सुबह और शाम से लेके तो हम इसको फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं पचास डॉलर करते हैं थोड़ा सा इसमें लग्जरी आइटम स्टूडेंट्स के लिए डाल लेते हैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ हर बंदे की अपने एक्सपेंसि अब कमेंट्स में आके ये ना कह देना भाई इतने कंजूस क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा करूँ स्टूडेंट लाइफ में कंजूसी ही करनी पड़ती है तो हम इसको वन हंड्रेंड ये भी गए पीछे बचा एक सौ दो सौ तीन सौ चार सौ पाँच सौ साढ़े पाँच सौ जब आपने गाड़ी चलाई ना जो गाड़ी चला के जॉब पे गई जिस गाड़ी पे ऊबर चले तो भाई उसमें पानी नहीं फ्यूल डलता है पचास डॉलर उसके भी हैं तो ये उसके निकालो पीछे क्या बचा एक दो तीन चार पाँच सौ डॉलर आपके अकाउंट में रह गए भाई अब आपने ना इसमें से यूनिवर्सिटी की फ़ी भी देनी है अब आपने इसमें से कोई अपनी खाने पीने का अगर आपका बाहर से दिल कर रहा है कोई मूवी देखने का दिल कर रहा है गाड़ी का कोई मसला आ गया ये ऑस्ट्रेलिया में आपको एक्सपेंसिस पड़ते रहते हैं तो आपने हिडन एक्सपेंसिस फिफ्टी डॉलर साइड पे कर लेने हैं गाड़ी की इंश्योरेंस आ सकती है आपके बिल्स आ सकते हैं आपकी गाड़ी का कोई भी सर्विस आ सकती है टायर पंचर सौ चीज़ें होती हैं पचास डॉलर आपको साइड पे करने पड़ेंगे ये जाएंगे जाएंगे पीछे आपका बचाव सौ दो सौ तीन सौ चार सौ साढ़े चार सौ डॉलर इसमें से ना अभी इसमें से आपने यूनिवर्सिटी की फ़ी भी जो है ना वो आपने सेव करनी है आपने घर वालों को भी किसी ने भेजना होगा कि भाई घर भी भेजने हैं कोई लोग तो भेजते हैं भाई घर भी भेजने हैं अब इसमें से आप मुझे बताएं कि आपने अगर पंद्रह सोलह हज़ार डॉलर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी है आप इसमें से अपने लिए क्या बचाएंगे आप यूनिवर्सिटी के लिए क्या बचाएंगे भाई स्टूडेंट लाइफ जैसे दिखती है ना वैसी है नहीं आपको बहुत सारी हर्डल्स जो है ना आपको दिखनी पड़ती हैं स्टूडेंट एक दूसरे से उधार ले लेते हैं पैसे एक दूसरे से उठा लेते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल है मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की लाइफ बहुत अच्छी है बट एक्सपेंसिज बहुत ज़्यादा है यहाँ की लाइफ बड़ी एक्सपेंसिव है भाई इसमें से आपको पता है आपने मंथली अपने इंश्योरेंस पे करनी है जो आपकी ख़ुद की इंश्योरेंस होती है अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस पे करनी होती है आपने वाटर बिल आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने गैस का बिल ये पांच बिल तो आपके नॉर्मल हैं जो कि आएंगे आएंगे मंथ के एंड पे ऑस्ट्रेलिया में चले थ्री मंथ्स के बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं तो वो डिफरेंट बात है लेकिन आपने पे तो कर नहीं करनी है तो अगर आप हम कहते हैं एक सौ दो सो, तीन सौ डॉलर आपने यूनिवर्सिटी की फ़ी भी तो पे करनी है छः महीने के बाद तो अगर आप इसको साइड पे कर लें तो पीछे आपके ना ये यूनिवर्सिटी की फ़ी ये गई साइड पे भाई आपके पास बचा डेढ़ सौ डॉलर ठीक है अब इस डेढ़ सौ डॉलर में से ना आपने बड़े ध्यान से भाई एज आई छोल यू कि आपने अपने सारे एक्सपेंसिज पूरे करने हैं कोई चीजें बहुत मुश्किल है डॉलर अब ये डेढ़ सौ डॉलर आपके अकाउंट में पड़ा है एज आई छोल यू कि आपके बहुत सारे एक्सपेंसिज आ सकते हैं हिडन एक्सपेंसिस आ सकते हैं आपको पता नहीं है लेकिन वो जो तीन सौ डॉलर आपने सेव किए हैं ना हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप तीन सौ डॉलर पर वीक सेव करें हम फिर भी तीन सौ डॉलर की बजाय हम साढ़े तीन सौ कर लेते हैं ऑन एवरेज स्टूडेंट जो है ना वो मंथ वो वीकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हज़ार डॉलर नॉर्मली कमा लेते हैं हमने जो है वो आठ सौ डॉलर की है अब स्टूडेंट जो है वो काफ़ी थोड़े से चला के ऊबर रीट ज़्यादा कर लेते हैं भाई दो से तीन दिन वो भी चला लेते हैं यूनिवर्सिटी से आग चला लेते हैं तो हम लोग एक हज़ार डॉलर एक्सक्यूज मी एक हज़ार डॉलर करते हैं और इस डेढ़ सौ डॉलर को हम तीन सौ डॉलर पे लग जाते हैं कि चलो यार तीन सौ डॉलर हमारे पास बच गया अब यूनिवर्सिटी की फी हमने कितनी पे की हमने कितनी सेव की थ्री हंड्रेड डॉलर मैं फिर भी थ्री फिफ्टी कर रहा हूँ थ्री फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय फोर चौदह सौ डॉलर बनेगा एक वीक का और अगर हमने चौदह सौ डॉलर मल्टीप्लाई बाय सिक्स करें आठ हज़ार चार सौ डॉलर बनेगा एक ये छः महीने के अंदर आठ हज़ार चार सौ अब इसमें से आपके मैं कह रहा हूँ बहुत सारे एक्सपेंसेस आ सकते हैं ये मैं आपको एक मोटी मोटी बात बता रहा हूँ इसमें से आपका कभी गाड़ी का मसला हो गया कभी आपके कोई और एक्सपेंसेस हो गए कभी पाकिस्तान के अंदर कोई मसला आ गया घर वालों को जरूरत पड़ी उधर भेजने तो भाई ऑन एवरेज जो स्टूडेंट होता है ना वो इसलिए हमारा पी का ग्रुप है पाकिस्तान कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया आप उसके अंदर एड हो जाएँ आप उसके अंदर देखेंगे स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा है स्टूडेंट कितने ज़्यादा स्ट्रेस में है मैं ये नहीं कह रहा ऑस्ट्रेलिया की लाइफ बुरी है ऑस्ट्रेलिया की लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन हमें चूँकि पाकिस्तान के अंदर ना घर बैठ के आराम से खाने की आदत पड़ी होती है अब्बा के पैसों के ऊपर अब्बा की सेविंग निकाल ली अब्बा के पैसों से आईफोन ले लिया आ रहा है कॉलेज के यूनिवर्सिटी जा के ना फड़े मार ली लेकिन जब रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं ना जब सारे एक्सपीरियंस खुद करने हैं बिल्स खुद पे करने हैं यूनिवर्सिटी की लाइफ खुद करनी है घर पर आके खाना भी खुद बनाना है कपड़े भी खुद जो है वॉशिंग मशीन में डाल के धोने हैं उनको बाहर डालना है तो भाई लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाती है आपका लैंड आपको दो वीक का नोटिस दे देगा चार वीक का नोटिस भाई घर से निकल जो आप घर की सफाई नहीं कर रहे स्टूडेंट को यह भी मसला है कि भाई यहां पे घर पाकिस्तान की तरह थोड़ी है आपको यहां पे घर की क्लीनिंग करनी पड़ती है वो भी वो सारे मसले वो एक डिफरेंट इश्यूज़ हैं तो ये सब चीजें आपको स्ट्रेस लेवल में ले जाती हैं खैर 300 डॉलर आपके में बचा है आठ हजार चार सौ डॉलर आपने सिक्स मंथ्स के अंदर सेव किया है अब ये वो है जो आपने एवरेज कमाया है अब अगर आपने एवरेज कमा के इतना सेव किया है ना तो अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई अब यूनिवर्सिटी की फीस जो पे करनी है स्टूडेंट्स पे करते हैं भाई वो दो दो जॉब्स करते हैं वो कैसे करती हैं मैंने आपको एवरेज बताया जो एवरेज ऑन एवरेज स्टूडेंट कमाते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई वो 24 घंटे लीगली काम करते हैं उसके अलावा मेरा ख्याल है वीक में वो कोई पच्चीस चालीस घंटे तो वो उबर ईट्स ही कर लेते होंगे आगे जॉब से जाके ऊबर पर फिर आके जॉब पे भाई लोग नहीं सोते एक एक दिन लोग तो हम चौबीस चौबीस घंटे काम कर लेते हैं भाई उसके बाद आके आठ आठ घंटे सोते हैं फिर चौबीस घंटे काम कर लेते हैं हम लोगों ने भी किया तो यूनिवर्सिटी की फ़ी ऐसे पे होती है यूनिवर्सिटी की फ़ी ऐसे नॉर्मली नहीं पे होती कि आप लोगों ने चौबीस घंटे काम किए ये आप वीकेंड पर फ्राइडे पे पब में गए क्लब में गए मूवी देख ली दोस्तों के साथ चिल कर लिया हार्डवेयर बीच पे फोटोज डाल ली वो भाई ऑन एन एवरेज नहीं होता वो आपको एक वो एक ना कड़वा सच दिख रहा होता है स्टूडेंट्स का बिकॉज भाई चार हफ्ते के बाद अगर वो एक हार डार्डिंग हार्बर पर जाके एक पिक्चर डाल दें ना तो लोग समझते भाई इन्जॉय कर रहे हैं भाई वो चार हफ्ते जो उस बंदे ने मेहनत की है ना उसको वो देखो तो भई ऑन एवरेज स्टूडेंट पैसे सेव कर सकता है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते कि हम लोग कहीं के, के कमेंट्स में भाई तूने तो पाकिस्तान में वो बैरियर टाउन में कोठियाँ डाली हैं गाड़ी रख ली है भाई हमारा टाइम जो ना वो सात साल पहले शुरू हुआ था दो में मैं आया था सोलह से चौबीस भई इस वक्त आठ साल हो गए आठ साल के अंदर पता नहीं कितनी मेहनत की है दिन रात हमने ना दिन देखा ना, ना रात देखा है तो फिर भाई अपनी लाइफ इन्जॉय करने का मजा भी अपना जब आप टाइम नहीं देखते तो स्टूडेंट जो है वो मैंने आपको एक जनरल बता दी इसमें अप एंड डाउन हो सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे भाई आप लोगों ने कैसे सेविंग की है और आप लोगों ने कैसे अपनी स्टूडेंट लाइफ को गुजारा है बिकॉज मैंने अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की है और ये एवरेज स्टूडेंट की लाइफ जो थी वो आपके साथ शेयर कर दी है तो भाई ये बचे हैं और इसको भी इन्जॉय करो गुम हो गए हैं हवा चल रही है तो उड़ गए हैं हर ही शौक शौक में ना पचास डॉलर मेरे घुमा दिए चल लो लब